हेलो दोस्तों, इस समय आप देख रहे हो टेक्निकल मोरारी और फन चैनल, जो कि मेरा चैनल है। दोस्तों, जिस तरह से दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेके आऊँगा, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गूगल एडसेंस के बारे में। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने वीडियोस को बनाते हैं और रेगुलरली यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और सोचते हैं कि उससे जो भी उन्होंने अर्निंग की है उसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करिए। उसके लिए दोस्तों उनके पास एक एडसेंस अकाउंट होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसे खोल देते हैं, उसके बाद ही वो अपने अर्निंग्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एडसेंस गूगल एड्स आपको एक पिन नंबर अलॉट करता है, और वो पिन नंबर कब अलॉट करता है, वो पिन नंबर आपके घर के पास आपके पते पर किस तरह से पहुंचता है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे, और वो पिन नंबर कैसा होता है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी कोई क्रिएटर अपने वीडियोस को मोनेटाइज होने के बाद उसके विटा स्टूडियो में $10 से भी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, तभी और तभी सिर्फ गूगल एडसेंस अकाउंट आपको वेरिफिकेशन पिन देता है। उसे आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एक्सेस करने के बाद ही आप अपनी अर्निंग्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे साथ तो दोस्तों ऐसा हुआ कि मेरा जो है मेरी जो विटा स्टूडियो में उठे विटा स्टूडियो में अर्निंग थी दोस्तों, वो $50 से ऊपर थी, और मेरी गूगल एडसेंस अकाउंट में भी अर्निंग थी जो वो $50 से भी अधिक थी। लेकिन मुझे गूगल गूगल एडसेंस की तरफ से किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन पिन नहीं मिला था। उसके लिए दोस्तों मैंने क्रिएटर सपोर्ट का सहारा लिया, उनको मेल किया, मैंने गूगल एडसेंस को भी मेल किया, उसके स्क्रीनशॉट निकाले, विटा स्टूडियो और गूगल एडसेंस के दोनों के स्क्रीनशॉट निकाल कर मैंने क्रिएटर सपोर्ट्स को मेल किया, और उसके बाद उसी तरह से मेल मैंने गूगल एडसेंस को भी किया कि गूगल एडसेंस मुंबई को मैंने मेल किया, जो कि उनका ब्रांच है बॉम्बे में, मैंने उनको मेल किया गूगल से एड्रेस ईमेल आईडी निकाल कर। तो दोस्तों मैंने उनको कहा कि सर मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, और मेरे चैनल अच्छा भी है, ग्रो भी हो रहा है, मोनेटाइज भी हुआ है, और मेरी अर्निंग जो है विटा स्टूडियो में $10 से ज़्यादा दिखा रही है, मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में भी ज़्यादा दिखा रही है। तो सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मुझे एक वेरिफिकेशन पिन दे दीजिए, जिसके कारण मैं अपनी अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकूँ। उनके बाद उन्होंने मुझे एक मेल किया, एक रिप्लाई दिया, और मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में एक नोटिफिकेशन मुझे मिला कि उस पर लिखा था कि आप एक्शन कीजिए, आप अपने एड्रेस को वेरिफिकेशन कीजिए। उसके बाद मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एक अच्छा सा फ़ोटो निकाला और उसे अपलोड कर गूगल एडसेंस को मैंने भेज दिया। उसके बाद 24 सितंबर 2019 को मुझे उनकी तरफ से, गूगल की तरफ से, इस तरह का एक छोटा सा एडसेंस पिन अलॉट हुआ। और दोस्तों मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई है क्योंकि गूगल जैसी कंपनी मुझ जैसे छोटे से क्रिएटर का ख्याल रखती है, और मुझे अपना पैसा, जो हक का पैसा है जो मैंने यूट्यूब से कमाया है, उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक पिन भेजती है, जो कि मैं एक देहात में रहता हूँ और सिटी से बहुत दूर रहता हूँ, और वहाँ पर ये पूरा अकाउंट पूरा जो है ये है पूरा एड्रेस मेंशन करने के बाद, सही एड्रेस मेंशन करने के बाद इस देहात में भी गूगल की तरफ से ये एडसेंस पिन मुझे मिला है। और जानते हैं कि कितनी बार गूगल एडसेंस पिन आपको ये भेजता है? तो दोस्तों गूगल एडसेंस आपको 3 बार खाली पिन भेजता है। पहली बार अगर आपका एड्रेस गलत है तो भी गूगल आपको अलाउट कर देगा, आपको किस कारण से नहीं मिला तो भी। दूसरी बार भी आपको गूगल अलाउट कर देगा, आपके अकाउंट आपके पते पर भेज देगा, तीसरी बार भी भेज देगा, लेकिन चौथी बार आपको गूगल आपके पिन को आपके पते पर नहीं भेजेगा, वो आपको मेल कर देगा और बोल देगा कि ठीक है आपका एड्रेस तो नहीं मिल पाया हमें, हम आपके एड्रेस में मेल कर देते हैं। और गूगल का भी एक नया सिक्योरिटी अपडेट है कि आपको एडसेंस पिन अलॉट करने से पहले आपको वेरिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट भेजना होता है गूगल को, उसके बाद ही वो आपको एडसेंस पिन भेजता है। तो दोस्तों अब इस एडसेंस अकाउंट को मैं रिमूव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर पिन होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने साइड से काट लिया है, एक चारों साइड से कुछ इस तरह से होता है, इसके ऊपर ये देख रहे हो इस तरह से होता है, इसको मैंने चारों साइड से रिमूव कर दिया है, और इसको रिमूव कर दिया है। इसके ऊपर जो जो है मेरा पूरा नाम लिखा है, मोरारी लोहार, और मेरे गांव का नाम, मेरे ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें गली में मैं रहता हूँ, और मेरा पूरा एरिया पिन कोड इसके ऊपर लिखा है। और ये जो एडसन अकाउंट नंबर है दोस्तों,
जो गूगल एडसेंस का बॉम्बे का जो ऑफिस है, जो मेन ब्रांच है, वहाँ से मुझे ये अलाउट हुआ है। अब जिस भी स्टेट में रहते हो, वहाँ भी हर एक स्टेट में उनका एक ब्रांच होता है, एक ऑफिस होता है, वहाँ से ये अलाउट होता है। तो दोस्तों इसको मैंने इस तरह से रिमूव कर दिया है, और इस तरह का ये आपको 2 पेज का इंटरफेस इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर लिखा है योर गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब ये पर्सनल है, ये किसी आपको किसी को भी दिखाना नहीं है और किसी को देना भी नहीं है। इसके अंदर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन है, जो कि मैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालूंगा, और अपनी जो भी अर्निंग हुई है उसे मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा। तो दोस्तों अगर आप एक नए क्रिएटर हो, तो अभी इसके लिए अगर आपके YT स्टूडियो में $10 से ज़्यादा अर्निंग हुई है, या फिर $50 या उससे भी ज़्यादा अर्निंग हुई है, लेकिन आपके पास किसी भी प्रकार का गूगल की तरफ से एडसेंस पिन अलाउड आपको नहीं हुआ है, तो आप सीधा सीधा क्रिएटर स्टूडियो को सपोर्ट लीजिए, या फिर गूगल एडसेंस को सीधा मेल कीजिए, और मेरी तरह आप एक वेरिफिकेशन पिन पाए और अपने पैसे का हकदार बनिए। तो दोस्तों अगर मेरी ये गूगल एडसेंस की इन्फॉर्मेशन बताने वाली वीडियो, छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।